और लोगों में फैल गई। यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा गया है जब भगवान रास कर रहे थे तो रास करते समय चंद्रावली अपने बामा हाथ को भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर रख देती थी प्रेम में आवेश में, तो झटपट हटा लेती थी कि बड़े लोगों को बामा हाथ से स्पर्श नहीं किया जाता। देखिए रास है, चल रहा है, बिल्कुल रास, सब नृत्य कर रहे हैं, लेकिन चंद्रावली ठाकुर जी के साथ रास कर रही है तो बिल्कुल मर्यादा के साथ रास कर रही है। उज्ज्वल नीलमणि में तो यहाँ तक लिखा गया है निजग हमारी पुराण से न्यस्त माकृष्य सभ्य। चंद्रावली रास करते समय अपने हाथ को श्याम सुंदर के कंधे पर रख दी तो तुरंत हटा लेरी, बाया हाथ कैसे चला गया। रास करते समय नृत्य भी कर रही है तो डर रही है कि कहीं हमारा चरण भगवान के चरण का स्पर्श न हो, क्योंकि इसमें ऐश्वर्य भाव है। चंद्रावली को भगवान का ऐश्वर्य का बोध है, हमारे श्रेष्ठ हमसे श्रेष्ठ हैं और हम उनसे छोटी हूं, ऐसी भाव है। लिखते हैं उज्ज्वल नीलमणि में कि निजग हमारी पुराण से न्यस्त माकृष्ट सभ्य, अपने बामे हाथ को हटा लेते भुजमी है निज निद गाधा मस्त्र मोक्ष अस्त्रोक्षाधि पद जुगम बंकम संकया विक्षिपन्ति। नृत्य करते करते तो हमेशा सतर्क है कि कहीं हमारा पैर ठाकुर जी से स्पर्श न हो जाए, ऐसा उसकी भाव, कृष्ण के चरण में लग न जाए, ऐसा देख करके राधा रानी की जो सखियां हैं हंसने लगती, क्योंकि देखिए विशुद्ध प्रीति नहीं। अब वही जब राधा रानी देखी इतना निशंक है कि अपने चरण को भगवान की छाती पर भी रख देती है, जब भगवान महावर लगाते हैं तो भगवान राधा रानी अपना चरण देते, क्योंकि यहाँ संभ्रम संकोच नहीं है, ऐश्वर्य गान बिल्कुल शून्य, मधुर विशुद्ध मधुर रस। स्वाधीन भर्तिका में ऐसी प्रिया जी की स्थिति हो जाती है और अन्य लोगों की नहीं होती, क्योंकि यहाँ मदीय भाव है, हम कृष्ण केवल मेरे हैं और किसी के नहीं, इसमें संकोच इत्यादि नहीं। खास करके रूप गोस्वामी इत्यादि, रूप मंजरी, तुलसी मंजरी, इन लोगों को इतना अभिमान है कि मैं राधा दासी हूँ। देखिए शाश्वत अभिमान है, हम लोगों का जो अभिमान हो जाता है जड़ता की तरफ अभिमान, मैं शरीर हूँ और शरीर के संबंधी हमारे हैं, तो ये सब भगवान की भक्ति से दूर कर देता है, अलग कर देता है। अब देखिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले हैं तो देखिए निज परिकर होकर के इनकी क्या स्थिति है। दुई जने गला गली रोदन अपार, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पकड़ करके रो रहे और देखी चंद्रशेखर हृदय चमत्कार। चंद्रशेखर जब देख चंद्रशेखर देखे चंद्रशेखर तो अपर महाप्रभु एक साधारण मुसलमान को आलिंगन क्यों करते, क्योंकि उस समय सनातन गोस्वामी का जो वेशभूषा था ये मुसलमान जैसा, वहां आकर काशी में आकर भद्र हुए, तो चंद्रशेखर को अपार दुख हो, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे हमारा निज परिकर है, हमारा ही है, तो उनको थोड़ा सा भी ये नहीं, क्योंकि ये जानते थे ब्रज लीला में लवंग मंजरी है, हमारी सेविका है। अब उसी तरह वृंदावन से लौट कर गौरांग को विरहिणी राधा का भाव हमेशा रहता है, किशोरी जी का ये राधा रानी हमारी। अब प्रभु हटाते थे ब्रज, लेकिन वे अपने आप स्पर्श करते, गौरव ज्ञान नहीं। सनातन गोस्वामी कहते नहीं प्रभु मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं स्पर्श करने लायक नहीं, मोरे प्रभु ना करो स्पर्श, हमको आप स्पर्श मत कीजिए। प्रभु कहे तुम्हार स्पर्श पवित्र है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे स्पर्श से मैं पवित्र हूं। देखिए ये बताया जाए ये ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल ब्रज में, ब्रज है विशुद्ध प्रेम,
यहाँ तक कहते हैं श्री गौरांग महाप्रभु कि मैं क्या संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति तुम्हें है। मंजरियों में ताप साधारण नहीं है, ब्रह्मादि देवताओं को भी अपने प्रेम से मूर्छित कर देती है। आज वही दर्शन देखिए, हम भक्त लोग इस संसार में आकर के हमेशा अपने को अकेला समझ रहे हैं। अकेला माने कि जब तक श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त न हो, भगवान की सेवा सुख का अनुभव न हो, तब तक हम लोग संसार में बिल्कुल अकेले पड़े, हमारा कोई नहीं। हम लोग किसी किसी से मिलकर प्रसन्न होते हैं कि अरे हमका, तो भगवान सोचते हैं कि अरे हमका हमारा विरह उसको नहीं, केवल कृष्ण विरह, कृष्ण के लिए तड़पन, कृष्ण के लिए विरह हो, रोना हो। वास्तव में हमको संसार के किसी व्यक्ति से क्या मतलब, क्यों मैं किसी से मिलूं, यह निसंग जीवन है। इसीलिए महात्मा लोग एकांत में जाकर के एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर के रहते हैं। हमारा केवल प्रभु है, प्रभु के अतिरिक्त हमारा संसार में कोई नहीं, ऐसा जीवन। तुम्हारे बिना मैं संसार को लेकर क्या करूंगा, इस संसार से क्या मतलब, ये तो संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं, स्वप्न जैसा है। जिनका चित्त राधा रानी के लिए हमेशा आक्रांत रहता है प्रिया जी की सेवा के लिए, वो संसार के किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं। अरे महात्माओं को तो इस संसार के लोग छोड़ो, स्वर्ग लोग दे दिया जाए, इंद्र पद दे दिया जाए, यहाँ तक कि जल लोग, तप लोग, महर लोग, इन सब लोग की अधिपति बना दिया जाए, तो भक्त प्रसन्न नहीं रहता। भक्त को तो केवल एक ही है, खास करके किशोरी जी की जो सखी है, मंजरियाँ हैं, उनका तो एक यही लक्ष्य है कि हे प्यारे आपके बिना हमको संसार विष की तरह लग रहा है। देखिए ये जब तक भाव नहीं आएगा तो भगवान मिलने वाले नहीं। श्री कृष्ण की हम लोग आराधना करते हैं और संसारिक लोगों को मिलने से प्रसन्न होते हैं तो भगवान हमसे मिलने वाले हैं। एक बुढ़िया थी वृंदावन में, भजन करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी रोज, और लड्डू गोपाल से उसको इतना प्रीति था, इतना प्रीति था कि लड्डू गोपाल के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती, कि अपना सारा संबंध संसार से काट कर केवल एकमात्र संबंध गोपाल जी से रखती, सेवा पूजा करती प्रतिदिन। और जब वो वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, उसको उठा नहीं जाता, तो वो भगवान को आदेश दिया कि ठाकुर जी देखिए वहाँ पर थोड़ा चावल है, दाल है, आप थोड़ा खिचड़ी बना लीजिए और अपने भी खा लीजिए, मुझको भी दे। तो देखिए सेवा जब परिपक्व हो जाता है, बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, तो भगवान तो भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब बुढ़िया की भगवान सेवा करते हैं, अरे भाई जो जीवन भर भगवान की सेवा किया है तो भगवान क्यों नहीं सेवा करेंगे। तो जैसे जैसे बुढ़िया कहती थी कि लाला अब तो मुझको उठा नहीं जाता है, थोड़ा गर्म पानी कर दो, मैं ठंडी लग रही है, स्नान कर लूँ, ठाकुर जी गर्म पानी कर देते थे, स्नान कर लेते। एक दिन की बात है कि बुढ़िया का कोई नाती पोता बहुत दिन के बाद आए, आ बुढ़िया उससे मिली और मिल करके रोने लगी अपने पोतों को देख करके, रो रही थी तब तुम लोगों के अतिरिक्त मेरा कौन है, मुझे कौन खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, संसारिक लोग तो एक दो दिन के लिए आते हैं, बुढ़िया रो रो करके ऐसे कह, वो तो एक दो दिन के बाद उसका पोता चला गया, अकेले पड़ गए। और वो बार बार कहती कि प्रभु थोड़ा हमको खिचड़ी दे दो, थोड़ा पानी दे, भगवान उठ गए। अब कहते कहते थक गई, भगवान आए, और बुढ़िया बड़ी परेशान हो गई, क्या बात है, वो रो रो करके कहने लगी प्रभु क्या गलती हो गई मुझको। कहे भगवान कहे तुझसे गलती नहीं हुई, तुम जीवन भर तो कहती आई है कि गोपाल जी आप ही हमारे हैं, आपके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है, और अपने पोता से कहती हमारा कौन देखभाल। तो देखिए भगवान का ये, भगवान ये सहन नहीं कर सकते हैं कि कोई कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे, तो भगवान को बड़ा पीड़ा होता है। अरे मैं इसका हूँ, ये जब जब मर गया, कुत्ता बिल्ली बना, इसके साथ मैं गया, जिस जिस जोनी में गया मैं इसका साथ नहीं छोड़ा। और आज क्या कह रहा है, आज कह रहा है कि पत्नी मेरी है, घर मेरा है, मकान मेरा है, तो भगवान को बड़ा पीड़ा होता है। हूँ मैं इसका, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं इसके संसार में।
लेकिन हम लोग संसार में जो नाता बना लेते हैं और भगवान का विरह नहीं होता है, उसको केवल संसार का विरह ही सताता रहता है, तो भगवान को बड़ा भयंकर विरह होता है। और जब भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त संसार में मेरा कोई नहीं है, आपके देखे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, श्री कृष्ण के विरह में एक क्षण भी करोड़ों युग के समान बीतता है। ऐसा यदि भक्त कहता है कि हमारा प्रभु कोई नहीं है, बार बार कहना चाहिए। राम सुखदेव जी मंत्र लिखे थे, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, यही रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, तवई वास्मी तवई वास्मी, हे प्रिया जी मैं केवल आपकी केवल आपकी हूँ, न जीवान दया विना, आपके बिना मैं जीवित रह ही नहीं सकती। इस साधना यही भजन यही चैतन्य महाप्रभु कहते शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, गोविंद के बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है, यदि गोविंद नहीं है तो सारा संसार शून्य बन है। ऐसा विरह जब तक नहीं सताएगा, महाप्रभु कहते हैं उद्वेग दिवस ना जाए छोड़े हैल जुग सम, आपके बिना दिन बीत रहा है न रात बीत रहा है, एक क्षण भी युग के समान बीत रहा है, वर्षा मेघ प्राय अश्रु बरसे नयन, आपके बिना हमारे आंख से आंसू बहता जा रहा है, गोविंद विरह शून्य हैल त्रिभुवन, इस संसार में आपके बिना कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये मंत्र है, ये केवल कहने के लिए नहीं, सचमुच अपने हृदय से समझना चाहिए, संसार में हमारा कोई नहीं है, नाता एक राम के मन यत सुहृत सुसेव्य जहाँ पर, हमारा सुहृत सुसेव्य केवल श्री राम है, केवल भगवान है, भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई अपना कहलाने वाला नहीं, ऐसा भाव भगवान को बड़ा मीठा लगता है। और जब तक ऐसा भाव नहीं होगा तब तक आप लोग कुछ भी कर लो भगवान दर्शन देने वाले नहीं, न मिलने वाले, इसी विरहाग्नि के लिए यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सारा नाता तोड़ दिए हैं संसार से, एकमात्र नाता है, केवल छाछ पीकर जीवन यापन कर रहे हैं और चिल्ला रो रो कर कर हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे पिया जी, केवल आप ही मेरी हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हमारा दुनिया हमारा संसार सब आप ही, ये ऐसा हम ऐसा जब तक नहीं होगा, यही देखिए हृदय में बड़ी भारी व्यथा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को, दुख का अवसान करो, आज ही दर्शन दो, अब हमारा कल प्राण नहीं बचेगा, एक क्षण युग के समान व्यतीत, यही तो उत्कंठा है, इसी उत्कंठा के लिए तो जीवन धारण करना है। हम लोग वृंदावन में आ गए हैं किस लिए आए हम पता नहीं चला, भगवान का तो प्रेम है, भगवान न जाने क्यों वृंदावन दे दिए, और वृंदावन में बस करके भी यदि हमारा मन संसारिक वस्तुओं के लिए धावित होता है दौड़ता है तो सबसे बड़ा अभाव है, हमारा नेत्र कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे को देखना चाहता है, हमारा बड़ भारी अभाव है, हम केवल हमारा नेत्र बंद हो जाए, हमारा आंख फूट जाए, हमारा कान फूट जाए, यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ देखना चाहूँ या कुछ सुनना चाहूँ, राधा रानी के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, इस प्रकार कातर प्राणों से रो रो करके विलाप करना ही भगवत प्राप्ति की शर्त है, यही महामंत्र जो है ना विलाप है रोना है, हे प्राणेश्वरी हे विश्वानंदनी हे कीर्ति आनंद वर्धनी जू, आप कृपा करो, आप ही हमारी हो, हे सर्वेश्वरी जू, इस सरोवर में मैं क्यों पड़ा, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं इस राधा कुंड पर मैं क्यों बैठा, यहाँ तो खाने सोने के लिए नहीं, हमारा पिता राजा थे, हमारे पास अपार संपत्ति थी, लक्ष्मी सब कुछ, लेकिन सब पानी नहीं, याद भी नहीं, हमारा केवल आप ही है, मेरी अधीश्वरी आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे अधीश्वरी हैं, प्रीतम के साथ इस राधा कुंड के तट पर आप जब विहार करती हैं वही हमारा औषधि है, वह क्रीड़ा देखकर ही हम जीवित धारण जीवित हूँ, तुम राधा श्याम ही हमारे प्रिय हो,
और कुछ हमें नहीं चाहिए, एक बार ईश्वरी एक बार स्वरूपिणी दर्शन दे दो। इस प्रकार अनुगत हम लोग को भी विचार करना चाहिए, उसी महापुरुष के हम लोग संतान हैं, हम उन्हीं के संतान, उन्हीं के अनुगत, उन्हीं की परंपरा के, कि कितनी कातर प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद के आगे। ऐसी विरह वेदना जब सताई तो प्रिया जी अब एक क्षण भी देरी नहीं, प्रकट लीला का स्फुरन हो गया। अब लीला का क्या स्फुरन हुआ है, हम लोग चले कल कहाँ थे प्रिया जी, कल कहाँ थी किसी को याद नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन लीला स्मरण हो रहा है, कितना भयंकर विरह हुआ तो प्रिया जी की लीला स्मरण, लीला प्रकट, लीला है बोलो। राधा रानी तुरंत वहां प्रकट, स्मरण में क्या देखती हैं कि प्रिया जी अपने सहचरियों के साथ भोजन कर रहे हैं, जसोदा मैया अपार प्यार से अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार कर रही हैं प्रिया जी। नववधु को जितना लाड़ प्यार करना चाहिए अपनी, वैसे ही जसोदा मैया राधा रानी को लाड़ प्यार कर रही हैं। अब क्या क्या प्यार कर रही हैं, कहती हैं पहले चुंबन किया प्रिया जी के सिर को जसोदा मैया सूंघी, छोटे छोटे बच्चों का सिर सूंघने से उम्र बढ़ता है ऐसा विधान है, तो देख भैया जसोदा पहले आलिंगन की चुंबन की, इसके बाद सिर को सूंघी, इसके बाद भैया जसोदा प्रिया जी के मुंह को पोंछी, फिर जीभ को पकड़ी और कही, जसोदा जी कही कि बेटी तुझको देख कर ही मैं जी रही हूँ, क्योंकि तुम यदि नहीं आएगी तो हमारा लाला खाने भी न मर जाए, तुम्हारे हाथ का स्वाद, हाथ का भोजन उसको स्वाद में आ गया, तुम्हारे बिना वो कुछ खाता नहीं, तुम नहीं आती हो तो लगता है कि ये पूरा नंदगांव अंधकार जैसा दिख रहा है, कोई नहीं है हमारे, बेटी तुम नित्य आया करो, भूलना नहीं। कहते कहते मैया का कंठावरोध हो गया, गदगद कंठ हो गया, रोने लगी, इस प्रकार मैं तुम्हें देख कर ही जीवित रहूंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी को लीला स्मरण हो गया, मैया जसोदा किशोरी जी से कितना लाड़ प्यार कर रही हैं, उनका मुंह पोछ रही हैं, चुंबन कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। गोविंद लीला मृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हृदय गई सुत कर ग्रहण से तदभूषण सुबह सहया भी अपना। मैया जसोदा आदेश देती है कि लाओ हम कन्हैया की शादी होगी उसके लिए बहू के लिए गाना पहले से बनाकर तैयार की, हृदय उद्गदई सुत कर ग्रहणाभिलाष है, सुत कर ग्रहणाभिलाष है, अपने सुत की शादी के लिए अभिलाष है, तद भूषण ही सबहुसह सहजा यत्नात्, मैं प्रयत्न पूर्वक मैं सब गहना बनवा करके रखी हूँ। निष्पाद्य तम नव वधु प्रतिरूप काली स्नेहाद्रिता निषदने पर संपदेशु, संपुट में बक्सा में जो गहना छिपा कर रखी है नव वधु के लिए, वो कहती है कि जाकर लाओ, किसी सखी को अपनी नौकरानी को आदेश देती है और एक एक भूषण को निकालते हैं। तई भूषण रथ धनिष्ठ कयो पनी, धनिष्ठा को आदेश देती है, धनिष्ठा उस संपुट को बक्सा को लाती है और बक्सा में जो बहुमूल्य कीमती कीमती जो आभूषण है उस समस्त आभूषणों को यशोदा मैया निकाल निकाल करके प्रिया जी को पहनाती। तद भूषण रथ धनिष्ठ कयो पनीत, गहना से श्रृंगार की, देखिए मैया यशोदा प्रिया जी का श्रृंगार कर। इसके बाद तांबूल चंदन वरांबर नाग जैस, प्रिया जी को यशोदा मैया तांबूल देती हैं, चंदन देती हैं,
जो भी आभूषण है उसको लेकर दे। प्रिया जी आली पिताम नव वधूमिवता ब्रजेशा, अपने अलिवृत्ति अपने सखियों के सहित प्रिया जी नौ वधु की समान, नौ वधु की सदृश मानकर आनंद पूर्वक वे राधा रानी को अर्पित और संतोष प्राप्त कर दी। इस प्रकार श्रीपाद कहते हैं कि हे प्रिया जी ये आनंद मैं अपने आंख से कब देखूंगा। जो भैया यशोदा आपको अपने हाथ से श्रृंगार कर रही है, प्रीति कर रही है, प्रेम कर रही है, इसको मैं कब देखूंगा। ये है ये वर्णन ब्रज विलास में आचार्य चरण कहते हैं प्रिया जी को यशोदा जी क्यों बुलाती हैं? भोजन बनाने के लिए, पाक कार्य करने के लिए यशोदा जी बुलाई हैं प्रिया जी। सखी मंजरियां गुप्त रूप से प्रिया लाल का मिलन कराती, तो एमिलादित मुदा कामम नंदीश्वर गिर निकुंजे प्रणयिनी। जैसे गिरिराज जी में निकुंज है, प्रत्येक गुफाओं में प्रियालाल का नित्य विहार सखी मंजरियां कराती हैं, वैसे नंदगिरी पर्वत पर विभिन्न प्रकार की लीला स्थलियां निभृत निकुंज है। राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ पर श्याम सुंदर भोजन करके विश्राम करने के लिए कह देते हैं, उधर राधा रानी भी भोजन कर ली और धनिष्ठा इत्यादि सखियां प्रियालाल को ले निवृत्त निकुंज में कामम नंदी नंदीश्वर गिरी निकुंजे प्रणय दी। नंद गांव में गुप्त जोग पीठ है, उसका भी जोग पीठ का गुप्त मिलन होता है प्रियालाल का। एक एक कैसे मिलते हैं, तो छलई कृष्णम राधा दयितम भीताम सारयति जा। प्रियालाल का छल से किसी को मिल जानते नहीं, छल से ला करके कृष्ण से ये ब्रज सुंदरियां मिलाती है, राधा कृष्ण का मिलाती है। आचार्य चरण कहते हैं कि मैं उसी धरिष्ठा की सेवा करता हूँ, उसी की पूजन करता हूँ, उसी धरिष्ठा को जो नंद गृह में पाक के लिए यशोदा जी के द्वारा बुलाई गई प्रिया जी को राधा रानी को प्यारे श्याम सुंदर से मिल करके जो सुख संपादन कराती है, उस धरिष्ठा को मैं ग्रहण करता हूँ। ये धरिष्ठा की इसीलिए बनी प्रिया जी की जो लीला है, नित्य लीला है, निभृत निकुंज की लीला, इस लीला को प्रिया जी जगत में प्रत्येक जीवों को देना चाहते हैं। मीटिंग होता रहता है गोलोक में, प्रियालाल मीटिंग करते हैं कि हमारा जो नित्य विहार चल रहा है इसको संसारिक प्राणी को दिया जाए, क्योंकि जब तक ये विहार दिया नहीं जाएगा संसारिक प्राणी भटकता रहेगा। ये देखिए वृंदावन में मिल गया, नाम में मिल गया, भगवान का सब कुछ में फिर भी भटक रहा है, क्योंकि इसकी चार पुराणों में ऐसी कथा है कि प्रियालाल एक बार निभृत निकुंज में मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोगों का ये रस है इसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या किया जाए। उसी समय उद्धव जी आए निकुंज में, उद्धव जी का आया और गेट पर ललता सखी खड़ी थी। ललता सखी खड़ी थी कि हमको यहाँ किसी को जाने नहीं, उद्धव जी जबरदस्ती कहे कि नहीं हमको मिलना है, अभी मिलना है, तत्काल हमको कुछ सेवा। ललता जी कहे कि अभी गुप्त मीटिंग चल रहा है तो उसको हम जाने नहीं। और उद्धव जी जबरदस्ती निकुंज में घुसे, ललता जी की बात नहीं मानी, ललता जी तत्काल श्राप दे, जा तू अंधा हो जाए, प्रियालाल के नित्य विहार में तू बाधा डालता, जा अंधा हो जाए, तो सूरदास को भी डाल दिया, उन्होंने भी श्राप दे दिया, जा शुद्र का करे जमन कन्या बन जाए। और हल्का हल्का मच गया ऐसा कि निकुंज भी ऐसी निकुंज में ललिता सखी जमन कन्या बनेगी और उद्धव जी अंधा बनेंगे, ऐसा कैसे हो गया। जब प्रियालाल के पास संबंध गया तो प्रियालाल कह दिया अरे हम लोग तो यही मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे किसी निजी परिकर को पृथ्वी पर भेजा जाए हमारा लीला का प्रचार। तो ये सब पहले ही फिक्स है,
कि भगवान मीटिंग इसी तरह। भागवत में है कि सरकारी का आकर जय विजय को श्राप दे, श्राप दे ना तो हल काम करा पूरा वैकुंठ जगत में सब विमानों का भीड़ लग गया। अरे ऐसा काम इधर सनकादिक खूब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, तो भगवान सनकादियों से कहे कि चिंता मत करो, पहले से मीटिंग था, हम लोग का मीटिंग हो गया कि हम लोग पहले से मीटिंग किए थे कि पृथ्वी पर आएंगे कुछ लीला करेंगे, तो लीला करने से पहले तो हमारे परिकरों को जाना चाहिए, ऐसे कैसे हो। एक बार लक्ष्मी भी कह दी थी कि इस जय विजय को पृथ्वी पर दे। भागवत में एक श्लोक है कि लक्ष्मी और विष्णु भगवान अपने महल में थे, तो भगवान की नींद आ गई, सो गए, तो लक्ष्मी जी क्या की कि घर से निकल करके घूमने लगे। वैकुंठ में बड़े बड़े सुंदर वन उपवन है, तो लक्ष्मी जी गई घूमने, जय विजय गेट पर खड़ा था। लक्ष्मी फिर आना चाहिए तो जय विजय रोक दी, नहीं अभी नहीं आ सकते, भगवान विश्राम कर, गेट पर लक्ष्मी जी को खड़ा कर। जब भगवान की नींद टूटी तो खोजने लगे लक्ष्मी कहाँ गए, पूछे जय विजय से लक्ष्मी कहाँ गई है, तो जय विजय कहे कि हम लोग गेट से बाहर, वो आना चाहती थी आने नहीं दिया, विश्राम में देखे वाले। तो लक्ष्मी आकर मीटिंग की कि प्रभु इन जो दो सेवक हैं इनको भगा दी, तो हमको भी आपके पास नहीं आने देते। तो भगवान विष्णु का चुप 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 बोलो, तुम्हारे कहने से यदि मैं अपने सेवकों को नीचे गिरा दूं तो हमारा संसार बड़ा बेइज्जती हो, सब कहेंगे कि कृष्ण विष्णु स्त्रैण है, स्त्री का गुलाम है, स्त्री जैसे जैसे कहती है वैसे करता है, देखो स्त्री के कहने पर अपने नौकरों को भगा दे। और यही जब हमारे भक्त का अपराध कर देंगे, हमारे भक्त हमारे महल में आना चाहेंगे और जब नहीं आने देंगे तो मैं इन परिकरों को यदि मैं भगा दूंगा, सेवा से निष्कासित कर दूंगा, तो हमारा बड़ा भारी कृति है। भगवान तो अपना कृति का लोभी है, विष्णु भगवान सोचे कि यदि मैं उस समय भगाऊंगा तो कहेंगे लोग भगवान अपने भक्त के लिए अपने निजी परिकर को भी भगाए। तो ये मीटिंग चलता है, वैकुंठ से एक जीव भी नीचे आ नहीं सकता, बिल्कुल सत्य है, आता है तो केवल भगवत इच्छा से। भगवान की जब इच्छा होती है कि ये जो नित्य लीला है इसको डाउन नीचे करना है लाना है, तो कुछ कुछ गड़बड़ी, तो वही ललिता सखी जवन कन्या बनी, मुसलमान की लड़की बनी, अकबर की जो लड़की थी ना, अकबर की और जो ललिता थी, और अंधा जो हुआ वो सूरदास उद्धव जी सूर बन। भक्तमाल में कथा है कि एक बार जो अकबर की पत्नी थी जोधा भाई पत्नी, वो बहुत उदास रहती थी। ललिता सखी पूछी कि माँ उदास क्यों, क्या बात है, तो जोधा भाई कही कि तुम्हारा पिता हमसे प्रेम नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं क्यों नहीं प्रेम करता है, तो मैं बूढ़ी हो गई इसलिए। अच्छा बूढ़ी हो गई इसलिए प्रेम नहीं करता, तो ललिता सखी अपनी माँ का खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर उस श्रृंगार को देखकर अकबर मोहित हुआ, कहा कि तुम्हारा इतना सुंदर श्रृंगार कौन है, इतना दिन तक ललिता जी को छिपा कर रखी थी, अपने पिता को भी नहीं दिखाई, और कहने लगा बताओ बताओ तुम्हारा श्रृंगार कौन किया, तो बताना नहीं चाहिए, बार बार पढ़ने लगा कहा बताओ, तो कही हमारी एक बेटी है वही श्रृंगार की है, कहाँ है, तो हमेशा छत से नीचे पर उतरती नहीं, ऐसे ऊपर ही खेलती रहती, एक बार दिखा दो। तो महाराज अपनी कन्या को देख कर अकबर को काम जगा, जीव काम जगा तो उसके शरीर में जलन हो गया, पूरा शरीर जल गया। अब अकबर पूरे दुनिया के जितने वैद्य थे सबको लाइन लगा दिया कि हमको देखो क्यों जलन हो, लेकिन कोई वैद्य दवा नहीं करता, शरीर में आग लगता। तो एक वैद्य कहा कि चंद्र सरोवर पर एक महात्मा है, उसका नाम सूरदास है, वो यदि सिद्ध महात्मा है, उसके पास यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा रोग ठीक होगा, उसके पास बड़े बड़े क्रिया है जल, तो वो
सीकरी से फतेहपुर सीकरी वहाँ से अकबर आया चंद सरोवर। तो चंद सरोवर आया, कहा कि महाराज हमारे शरीर में जलन हो रहा है, बहुत दवा करा चुका लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो सूरदास जी देखते ही कह दिए कि तुम अपनी कन्या पर काम भाव रखा इसलिए जलन, तुम्हारा ये ठीक कैसे होगा? तो ठीक तभी होगा उस कन्या को एक बार मुझे दिखा दो। कहीं अंधा आप कैसे देखेंगे, अंधे आदमी आप कैसे? तो कहा कि नहीं, एक बार तो दिखा दो तुम्हारा जलन ठीक होगा। देखिए लीला डाउन हुआ ना नीचे का। तो वो अपनी कन्या को लेकर के आए और कन्या देखते ही सूरदास जी को कहे, अरे उद्धव तू कहाँ से? और उद्धव जी कहे, अरे ललिता तू कहाँ से? इतना कहते उम्र ललिता सखी जो जवान थोड़ा सा ही तो श्राप कुछ क्षण के लिए श्राप मिला था। तो वो ऐसे कहते हैं उसका शरीर। और सूरदास जी 100 कितने वर्ष तक रहे, 105 या 7 वर्ष तक। और वही पूरा जो पद है सूर सागर का जो पद है स्वयं सूरदास जी उद्धव जी है, गोपियों का विरह बाल लीला सब लिखे। तो जब भगवत इच्छा होती है, भगवान की इच्छा, तभी ये लीला पृथ्वी पर आता है। ऐसे वैकुंठ से एक भी जीव नहीं आता है। श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार के पहले सब मीटिंग चला था, हमको कलयुग में आना है, वो भी प्रच्छन्ना अवतार होना है, किसी को जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है त्रिजु, भगवान का लीला केवल सत्ययुग त्रेता द्वापर में चलता, कलयुग में नहीं आता। भगवान का कलयुग में अवतार होता ही नहीं, इसलिए पुराणों में वेदों में भगवान का एक नाम भी है त्रिजु, तीन युग में। कलयुग में कृष्ण का अवतार नहीं होता। तो कृष्ण का जो अवतार हुआ है ये गौर महाप्रभु का प्रच्छन्ना अवतार, हमेशा जीवन भर भगवान अपने को छिपाते रहे। कोई कहता था भगवान है तो श्री विष्णु कहते कान दबा लेते मेरी पाप को। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने को छिपाते रहे क्योंकि प्रच्छन्न अवतार है। अब बहुत बड़ा काम करना है, लीला इतनी विशाल लीला करना है, तो इसलिए ये अवतार आया। अवतार में जितने भी परिकर है, यहाँ तक कि सत्ययुग के परिकर, त्रेता के परिकर, द्वापर के परिकर, सब परिकर कृष्ण अरे चैतन्य महाप्रभु के अवतार में है। आप गौर गणोदेश दीपिका देखिए तो सभी परिकर आए हैं महाप्रभु के साथ, क्योंकि इतना विशाल इतना बड़ा सेवा किसी अवतार में भगवान ने की। कलयुग में जो गौर रूप में आकर सेवा की है, सभी उससे भी बड़े बड़े पापियों से मिले लेकिन किसी को मारे नहीं, उसको परिवर्तन कर, ऐसा भगवान तो कोई हुआ नहीं। न राम हुए, न कृष्ण हुए, न बरा हुए, ये लोग थोड़ा सा देखते हैं काठी देते, चक उठाते काट देते। राम हुए चाहे कृष्ण हुए, बरा हुए, नृसिंह हुए, तो उनको सरल होता है, लेकिन गौर महाप्रभु के साक्षात राधा रानी है तो राधा रानी कैसे किसी को मारने देंगे। इसीलिए